इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सिंगर एपी ढिल्लो के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की खबर सामने आई है। साथ ही लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली है। ये आपको बता दें कि सिंगर का घर कनाडा के वैनकूवर में है। इसके साथ ही एक फेसबुक पोस्ट पर दावा किया गया है जिसमें लिखा है कि हमले की जिम्मेदारी मैं रोहित गोदारा यानी बिश्नोई गैंग लेता हूं। वहीं आपको बता दें कि घटना 1 सितंबर को हुई थी, हालांकि मीडिया में खबर अब सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सिंगर एपी ढिल्लो के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की खबर सामने आई है। साथ ही लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली है। ये आपको बता दें कि सिंगर का घर कनाडा के वैनकूवर में है। इसके साथ ही एक फेसबुक पोस्ट पर दावा किया गया है जिसमें लिखा है कि हमले की जिम्मेदारी मैं रोहित गोदारा यानी बिश्नोई गैंग लेता हूं। वहीं आपको बता दें कि घटना 1 सितंबर को हुई थी, हालांकि मीडिया में खबर अब सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सिंगर एपी ढिल्लो के घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की खबर सामने आई है। साथ ही लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली है। ये आपको बता दें कि सिंगर का घर कनाडा के वैनकूवर में है। इसके साथ ही एक फेसबुक पोस्ट पर दावा किया गया है जिसमें लिखा है कि हमले की जिम्मेदारी मैं रोहित गोदारा यानी बिश्नोई गैंग लेता हूं। वहीं आपको बता दें कि घटना 1 सितंबर को हुई थी, हालांकि मीडिया में खबर अब सामने आई है।